रोज रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं तो कुंदरू की भुजिया को ट्राई कर सकते हैं। कुंदरू को ज़्यादातर घरों में कई तरह से बनाकर खाया जाता है। आपने भी ट्राई की ही होगी, लेकिन क्या आप भी कभी भुजिया कुंदरू बनाकर खाए हैं? दरअसल भुजिया कुंदरू को छोटे से लेकर बड़े तक खूब पसंद करते हैं। सबसे पहले कुंदरू को धोकर गोल गोल पतला पतला कट कर ले। कुंदरू का स्वाद हल्का खट्टा होता है, ऐसे में जब कम मसाले के साथ इसकी भुजिया को तैयार किया जाता है तो इसका स्वाद काफ़ी लजीज हो जाता है। यह स्वादिष्ट भुजिया लंच, डिनर या फिर दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन है। इसको आप घर पर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं या बेहद कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें। गरम होते ही जीरा मिर्च डालकर चटकने दें। जीरा चटक गया है, अब हम कुंदरू को डाल के चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम ढक के रखेंगे। एक से दो मिनट बाद ढक्कन हटाकर फिर से चला लेंगे। हल्दी और नमक, रेड चिली पाउडर डालकर मिला लेंगे और चलाते हुए पकने दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लो टू मीडियम गैस पर ब्राउन होने तक भुजिया को फ्राई करेंगे। भुजिया को कट करके एक बार चेक कर लें। जब भुजिया ब्राउन हो जाए तब गैस बंद कर दें। गर्मा गर्म भुजिया सर्व करें। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। भुजिया तैयार है तो चलिए सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पराठा के साथ सर्व किया है। आप भी कुंदरू का भुजिया घर पर ज़रूर बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप भी बनाइए कुंदरू का भुजिया, ये बहुत ही लजीज लगता है।